नमस्कार, मैं सतीश चंद सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हमने महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी प्राप्त की और राणा सांगा और बाबर के बीच हुए युद्धों के बारे में जानकारी आपको दी गई। इसके बाद महाराणा प्रताप के जीवन परिचय के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया। महाराणा प्रताप के गद्दी पर बैठने के बाद मुगल सम्राट अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर के द्वारा क्रम से दूतों को भेजा गया। जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल आदि को भेजा गया, लेकिन जब सभी समझाने में असफल रहे तो अकबर ने महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए मानसिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना को महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। महाराणा प्रताप को इसकी भनक लग गई और महाराणा प्रताप ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली। मानसिंह ने अपनी सेना का पड़ाव मांडलगढ़ पर रखा। इधर महाराणा प्रताप ने भी अपनी सेना की तैयारी कर ली और 18 जून 1576 ईस्वी को मानसिंह और महाराणा प्रताप की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के प्रथम चरण में महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना यानी मानसिंह की सेना को तितर बितर कर दिया और सेना डर के कारण इधर उधर भागने लगी, लेकिन इतने में ही एक सुरक्षित सेना के सिपाही मित्र खां ने यह अफवाह फैला दी कि महाराणा प्रताप को बादशाह सलामत अकबर खुद एक विशाल सेना लेकर के आ रहे हैं। इससे भागती हुई सेना में जोश उत्पन्न हो गया और वो दोबारा लड़ने के लिए तैयार हुए। महाराणा प्रताप ने अपना निशाना मानसिंह को बनाया और घोड़े को मानसिंह की तरफ ले गए। घोड़ा उनका इशारा समझ गया। महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर जोरदार भाले से वार किया। मानसिंह बच गया, लेकिन महावत खां मारा गया। और उसके बाद महाराणा प्रताप को घेरने की योजना बनाई गई। तो ऐसी कठिन परिस्थिति में महाराणा प्रताप का साथ दिया था झाला मन्ना ने। झाला मन्ना ने देखा कि अब चारों ओर से मुगल सेना महाराणा प्रताप को घेर रही है, तो उन्होंने उन्हें बताया कि इस समय आपका यहाँ से सुरक्षित निकल जाना ही अच्छा है। महाराणा प्रताप ने पहले तो मना की, लेकिन बाद में उन्होंने परिस्थितियों को समझकर उनकी बात मान ली और झाला मन्ना को अपनी पोशाक देकर के वो घोड़े पर बैठकर के सुरक्षित चले गए। और घोड़े जो उनका घोड़ा था चेतक वो जख्मी हो गया और बलिचा नामक स्थान पर एक नाले को पार करते समय घोड़े की मृत्यु हो गई। वहीं पर उनको शक्ति सिंह आदि मिले। बाद में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, बहुत सारी मुगल चौकियों पर अपना अधिकार कर लिया। हल्दीघाटी के युद्ध में मानसिंह महाराणा प्रताप को नहीं हरा सका, इसलिए अकबर उनसे नाराज हो गए और अकबर ने मानसिंह का जनानी डोड़ी में आना जाना बंद कर दिया और आशफ खां का भी आना जाना बंद कर दिया। बाद में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा उनके ऊपर हमले किए गए, लेकिन महाराणा प्रताप के पुत्र ने उन्हें बंदी बना लिया और उनकी बेगमों को बंदी बना लिया। लेकिन उदारता का परिचय देते हुए महाराणा प्रताप ने शाही परिवार की बेगमों को वापस लौटा दिया और चावंड में रहते रहे और शांतिपूर्वक अपने राज्य को चलाते रहे। भामा साहब के द्वारा जो सेना दी सहायता दी गई
उससे उन्होंने अपनी सेना को एकत्रित किया। इस प्रकार से उन्होंने चावंड में रहकर के अपने अंतिम दिन गुजारे और 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 1597 ईस्वी को चावंड में एक कठोर धनुष को झुकाते समय सिर में चोट लग जाने के कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से जीवन पर्यंत महाराणा प्रताप मुगलों के अधीन नहीं रहे और उन्होंने मुगलों के अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर के द्वारा उन्हें बहुत प्रलोभन दिए गए लेकिन उन्होंने प्रलोभन स्वीकार नहीं किए, चाहे उन्होंने कष्ट सहन कर लिए और कष्ट सहन करते हुए और 19 जनवरी 1597 को एक स्वतंत्र शासक के रूप में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु पर कहते हैं कि जब दरबार में उनकी मृत्यु का समाचार अकबर ने सुना तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए कि भारतवर्ष में एक अकबर, महाराणा प्रताप ही एक ऐसा शासक था जिसने अपनी पगड़ी को कभी किसी के आगे नहीं झुकाया और नहीं अपने घोड़े पर किसी की शाही तलवार लगवाई और नहीं अपनी तलवार पर शाही मोहर लगवाई। ऐसा महापुरुष, वीर पुरुष था महाराणा प्रताप। तो कहते हैं कि ऐसे विचार करके अकबर की आंखों में से आंसू निकल आए। जो कभी नौरोज में नहीं गया, जो झरोका दर्शन में नहीं गया, ऐसा सम्राट था महाराणा प्रताप, और जिसे अकबर जीत नहीं सका, उसे अपने अधीन नहीं करवा सका। तो महाराणा प्रताप के बारे में अपन ने ये जानकारी प्राप्त की। उसके बाद में अपन देखते हैं कि महाराणा प्रताप वीर और प्रताप ही नहीं बल्कि विद्वानों का संरक्षक भी था। उसने अपनी राजधानी चावंड में रहकर के अनेक विद्वानों को और चित्रकारों को अपने दरबार में उन्होंने संरक्षण दिया। चक्रपाणि मिश्र आदि को संरक्षण दिया, उनके द्वारा मुहूर्तमाला आदि संस्कृत में साहित्य लिखे गए तथा उनके काल में व्यापार वाणिज्य की बहुत उन्नति हुई। चित्रकार मंडन, उनके चित्रकार निषारदी चित्रकार निषारदी उनके ही दरबार में रहता था, जो बहुत बड़ा चित्रकार था। तो इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप विद्वानों का भी संरक्षक था। निषारदी जैसा चित्रकार उनके दरबार में रहता था, बड़े बड़े विद्वान रहते थे संस्कृत भाषा के आदि के, और उनके काल में व्यापार वाणिज्य की बहुत उन्नति हुई है। अब हम महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। महाराणा प्रताप बहुत बड़े वीर और स्वाभिमानी थे, स्त्रीशील के रक्षक थे, परोपकारी थे, दानी थे, ऐसे थे। महाराणा प्रताप की एक विशेषता थी, नंबर एक, निहत्ते पर वार नहीं करना। महाराणा प्रताप छात्र धर्म का पालन करते थे। उनका नियम था कि वो अपने शत्रु पर निहत्ते पर वार नहीं करते थे। यदि शत्रु के हाथ में हथियार नहीं होता था तो वो उस पर वार नहीं करते थे। और महाराणा प्रताप अपने पास हमेशा दो हथियार रखते थे, दो तलवार वो रखते थे। यदि उनका शत्रु निहत्ता हो जाता तो वो एक तलवार अपने शत्रु को देते थे, तब वो लड़ाई लड़ते थे। तो ऐसे थे महाराणा प्रताप, जो निहत्ते पर वार नहीं करते थे। मेवाड़ का राजचिन्ह सामाजिक समरसता का प्रतीक। नंबर दो, सामाजिक समरसता के प्रतीक। महाराणा प्रताप सामाजिक समरसता के प्रतीक थे, यानी उन्होंने अपनी सेना में भीलों को आदि ऐसी अछूत जातियों को उन्होंने संरक्षण दे रखा था, वो भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने अपनी सेना में मुसलमानों को भी रख रखा था और सभी को अपने धर्म के निर्वाह की पूर्ण स्वतंत्रता उन्होंने दे रखी थी। ऐसे थे महाराणा प्रताप, सभी के बहुत प्रिय थे।
और सभी लोग महाराणा प्रताप को जी जान से चाहते थे। ऐसे थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप बहुत लोकप्रिय थे, जनता उन्हें दिलो जान से चाहती थी, स्वतंत्रता प्रेमी। महाराणा प्रताप की अगली विशेषता थी स्वतंत्रता प्रेमी, यानी महाराणा प्रताप स्वतंत्रता प्रेमी थे, इसलिए उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर के द्वारा कई बार प्रलोभन दिए जाने के बाद में भी उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया और स्वतंत्रता को उन्होंने बनाए रखा। तो ऐसे थे महाराणा प्रताप। नंबर 3, धर्म रक्षक और राजचिन्ह सम्मान। महाराणा प्रताप ने धर्म की रक्षा की और मेवाड़ के राज सम्मान और राजचिन्ह की उन्होंने रक्षा की, सदैव रक्षा की। उनका मानना था कि जो डर राखे धर्म को ती राखे करता, यानी जो धर्म की रक्षा करते हैं ईश्वर उनकी रक्षा करते हैं, ऐसा मानना था महाराणा प्रताप का। तो यही महाराणा प्रताप की एक विशेषता थी। इसके अलावा स्त्री सम्मान में है कि नारी सम्मान के लिए भारतीय परंपरा का उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। वो स्त्रियों का सम्मान करते थे। जब उनके पुत्र अमर सिंह के द्वारा अब्दुल रहीम खान खाना की बेगम है और को आदि को बंदी बना लिया गया, तो महाराणा प्रताप ने उनको उसे सम्मान वापस लौटा दिया और अपनी उदारता का परिचय दिया, स्त्री सम्मान करने का परिचय उन्होंने दिया। प्रेरणा पुरुष, महाराणा प्रताप प्रेरणा पुरुष। महाराणा प्रताप आगे आने वाले जो इतिहास में जो पुरुष हुए आगे आने वाले समय में, जैसे कि शिवाजी, वीर दुर्गादास आदि, उनके लिए प्रेरणा के स्रोत रहे। तथा हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में भी महाराणा प्रताप से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रेरणा ली और वो स्वतंत्रता के लिए लड़े। विलक्षण सहयोगी प्रतिभा, विलक्षण सहयोगी प्रतिभा, उनकी बहुत सहयोगी प्रतिभा थी, इस कारण से विलक्षण सहयोगी प्रतिभा। विलक्षण सहयोगी प्रतिभा के कारण भी महाराणा प्रताप बहुत लोकप्रिय थे, उनकी सहयोग करने की प्रवृत्ति थी और इन्हीं बातों से प्रभावित होकर के भामाशाह के द्वारा उन्हें कठिन परिस्थितियों में सहायता दी गई, जिसके द्वारा उन्होंने अपनी सेना का विस्तार किया और अकबर से संघर्ष को जारी रखा। तो इस प्रकार से हमने महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी प्राप्त की, किस प्रकार से महाराणा प्रताप ने जीवन पर्यंत मुगलों से संघर्ष किया और अपनी स्वतंत्रता की लौ को उन्होंने बनाए रखा और अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे थे महाराणा प्रताप, जिनके बारे में अपने अध्ययन किया। अब हम ऐसे एक महापुरुष जो स्वतंत्रता के प्रेमी थे और जिन्होंने मुगलों से खूब लड़ाई की और इसके अलावा जोधपुर साम्राज्य को डगमगाते जोधपुर साम्राज्य को उन्होंने एक सहारा प्रदान किया, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वो महापुरुष थे वीर दुर्गादास राठौर। दुर्गादास राठौर, दुर्गादास राठौर ये डगमगाते हुए मारवाड़ के लिए बहुत बड़े संबल साबित हुए। वीर दुर्गादास राठौर का जन्म 1638 में, इनका जन्म हुआ था सन 1638 में, इनका जन्म हुआ शालवा गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था आशकरण। दुर्गादास राठौर के पिता का नाम था जो
महाराज जसवंत सिंह की सेवा में थे और ये तीसरी संतान थी। आसकरण को मारवाड़ के सालवा में जागीर मिली हुई थी और कालांतर में मोहम्मद नंसी के अनुसार मारवाड़ का प्रधानमंत्री भी नियुक्त कर दिया गया। लेकिन आसकरण का अपनी पत्नी से प्रेम नहीं होने के कारण दुर्गादास राठौड़ अपनी माता के साथ रहते थे। अपनी माता के पास लूणबा गांव में रहते थे। लूणबा गांव में रहते थे और खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा चलाते थे। एक बार एक मुगल चरवाहे से इनकी कहा सुनी हो गई तो उन्होंने मुगल चरवाहे को खत्म कर दिया। जब उसने शिकायत जोधपुर राज्य में की तो जसवंत सिंह ने दुर्गादास को बुलाया और आसकरण को बुलाया, आसकरण से कहा कि तुम्हारे बेटे ने एक मुगल चरवाहे की हत्या कर दी है। उन्होंने कहा कि मेरा कोई बेटा है ही नहीं। फिर उन्होंने दुर्गादास को बुलाया, महाराज जसवंत सिंह ने, तो दुर्गादास ने कहा कि मैंने मुगल चरवाहे को इसलिए मारा है क्योंकि उसने तुम्हारे महल को बिना छत का एक खंडर कहा, इस बात से मैंने इसको मार दिया, और तुम्हारे बारे में भला बुरा कहा इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसको मार दिया। तो इससे महाराज जसवंत सिंह बहुत खुश हुए और उन्होंने आसकरण से कहा कि तुम तो कहते थे कि मेरा कोई बेटा ही नहीं है, लेकिन यह तो तुम्हारा सबसे अच्छा बेटा है। तो उसने कहा कि जो अयोग्य होता है, कुपुत्र होता है, उसको मैं बेटा नहीं मानता। उन्होंने कहा कि यह कुपुत्र नहीं, यह दुर्गादास ही किसी दिन डगमगाते हुए विवाह के लिए एक कंधा देगा, सहारा देगा। और यही हुआ कि दुर्गादास राठौड़ ने दोबारा बिखरी हुई मराठा जाति को संगठित किया और मराठा साम्राज्य को जमाने में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। हम आगे पढ़ते हैं, जोधपुर पर शाही नियंत्रण कैसे हुआ। जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद में औरंगजेब ने जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया और खिदमत खां को वहां का किलेदार बना दिया। मारवाड़ पर पूरी तरह से जब नियंत्रण स्थापित हो गया जोधपुर पर, तो औरंगजेब ने वहां के मंदिरों को आदि को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया और इस बात की उन्होंने बड़ी प्रशंसा की औरंगजेब ने। इसके बाद दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह की रक्षा की, क्योंकि महाराज जसवंत सिंह की मृत्यु के समय महाराज जसवंत सिंह की दोनों रानियां गर्भवती थी, तो दुर्गादास राठौड़ ने दोनों गर्भवती रानियों को सुरक्षित वहां से लाए जमरूद से, और बाद में दोनों रानियों को दिल्ली में रखा गया। दलथमन का जन्म हुआ रास्ते में, उसकी मृत्यु हो गई। अजीत सिंह को का जन्म बाद में हुआ और अजीत सिंह की उन्होंने रक्षा की, महाराणा दुर्गादास राठौड़ के द्वारा उनकी रक्षा की गई। बाद में अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ के सरदार जोधपुर पहुँचे दिल्ली से, तो इनको मेवाड़ के महाराणा के यहाँ पर रखा गया और वहाँ पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उनको दी गई। इसके बाद में दुर्गादास राठौड़ ने शहजादा अकबर पर विद्रोह करवा दिया, जो बादशाह का बेटा था। इसमें बड़ी चतुराई से उसने काम किया। इसके बाद अंतिम समय में अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ की अनबन हो गई और इस बात से बाद में दुर्गादास राठौड़ वहाँ से चले गए और ये मेवाड़ राज्य की सेवा में चले गए। वहाँ पर उनको जागीर दी गई और अंतिम समय में ये उज्जैन में रहने लगे और सन 1718 में उज्जैन में ही वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु हो गई। वीर दुर्गादास राठौड़ ने
शाहजहाँ के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकार युद्ध में वीरता का परिचय दिया। धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह के नेतृत्व में ये लड़े और लगातार बड़ी वीरता का परिचय दिया। जब चार घोड़े इनके खत्म हो गए, एक के बाद एक बदलते गए, पांचवें घोड़े पर जब ये चढ़े तो ये घायल हो गए और बाद में इनको घायल अवस्था में मारवाड़ भेज दिया गया। तो ऐसा उन्होंने वीरता का परिचय दिया, अजीत सिंह की रक्षा की। और इसके बाद इन्होंने कूटनीतिकता का परिचय देते हुए शहजादा अकबर जो बादशाह का बेटा था उस पर विद्रोह करवाया और मेवाड़ और मारवाड़ के बीच बेमनशाह जो लड़ाई थी उसको ख़त्म करवाया। ये काम इनके द्वारा किए गए। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि वीर दुर्गादास राठौर वीर तो थे ही, साथ ही चतुर राजनीतिक कूटनीतिक भी थे। उन्होंने इसके प्रमाण दिए, इसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की। अब हम कर्नल जेम्स टोड ने उसे राठौड़ों का यूसीलेस भी कहा, राठौड़ों का यूलिसेस, राठौड़ों का यूलिसेस कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस भी कहा। ये एक नंबर के क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है कि राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड को राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। इसके अलावा जोधपुर राज्य के इतिहास का दूसरा खंड दुर्गादास राठौड़ को ही समर्पित किया गया है, यानी राठौड़ वंश को दोबारा स्थापित करने का जो श्रेय है दुर्गादास राठौड़ को ही जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने दुर्गादास राठौड़ के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो बहुत बड़ा स्वामी भक्त था, स्वतंत्रता प्रेमी था, कूटनीतिक था, राजनीतिक था, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। इन्होंने मारवाड़ और सिसोदिया के बीच गठबंधन करवाया, अजीत सिंह की सुरक्षा की तथा शहजादा अकबर को बादशाह के विरुद्ध बगावत करने के लिए भड़काया। ये इसकी कूटनीतिक चाल थी। ये काम दुर्गादास राठौड़ के द्वारा करवाए गए। अंतिम समय में उन्होंने संन्यास लेकर उज्जैन में छिप्रा नदी के किनारे पर अपने प्राण त्याग दिए, जहाँ पर उनकी छतरी आज भी बनी हुई है। अब हम ऐसे ही एक और वीर जो धर्म के रक्षक थे, जिन्होंने अपने हिंदू धर्म की मान मर्यादा को बहुत बढ़ाया, जिन्हें हिंदू पद पातशाही की उपाधि दी गई, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे महापुरुष थे शिवाजी महाराज, शिवाजी जिन्होंने बिखरी हुई मराठा जाति को एकजुट किया, संगठित किया और एक छोटे से राज्य से एक बहुत बड़े राज्य के स्वामी बन गए और जिन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। ऐसे महापुरुष थे शिवाजी महाराज। शिवाजी का जन्म सन 1627 में शिवनेरी के पहाड़ी दुर्ग में हुआ। इनकी माता का नाम जीजाबाई था और इनके पिता का नाम, इनकी माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले, दादा का नाम कौणदेव और इनके गुरु का नाम रामदास था। इनकी माता जीजाबाई धार्मिक विचारों वाली महिला थी, इसलिए शुरू से ही उन्होंने शिवाजी महाराज को आध्यात्मिक आदर्शों से ओतप्रोत कर दिया। उन्हें देश प्रेम की, वीरता की शिक्षा उन्हें दी गई, मातृभूमि प्रेम की शिक्षा दी गई, स्वतंत्रता प्रेमी होने की शिक्षा उनको दी गई और गुरु भक्ति, पितृ भक्ति, मात भक्ति आदि के बारे में उन्हें जानकारी दी गई, शस्त्र चलाना, घुड़सवारी आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध की गई। बचपन में इनकी देखरेख इनके दादा कोणदेव और इनकी माता जीजाबाई के द्वारा की गई, क्योंकि इनके पिता शाहजी भोसले इनकी माँ से अलग रहते थे, इसलिए इनकी देखभाल की जो जिम्मेदारी थी वो माता जीजाबाई और दादा कोणदेव पर थी। उन्होंने इनका ध्यान रखा। सबसे पहले इन्होंने मराठों के बाबले नामक युवकों का एक संगठन बनाया और अपने पिता की जो जागीर थी उस पर इन्होंने अपना अधिकार किया। इसके बाद
इनके विरुद्ध कई मुगल अभियान भेजे गए और इन्होंने उन सभी को वहाँ से हटा दिया। बीजापुर के सुल्तान ने इनके विरुद्ध एक सैन्य अभियान किया, अफजल खां को भेजा। अफजल खां इनको धोखे से मारना चाहता था, लेकिन शिवाजी महाराज उनकी चतुराई को समझ गए और चतुराई को समझ करके शिवाजी ने, जब वो संधि वार्ता करने के लिए आए थे तो उन्हें बगनके से, शिवाजी ने बगनके से उनका पेट फाड़ डाला और उनको वहाँ से वहाँ ख़त्म कर दिया। इसी प्रकार साश्ता खां को वहाँ से भाग कर जाना पड़ा। औरंगजेब ने उनके विरुद्ध कई अभियान किए लेकिन वो सफल नहीं हुए, तो औरंगजेब ने जयपुर के शासक जयसिंह को भेजा। जयसिंह ने किलेदार को लालच देकर के पुरंदर के किले को चारों ओर से घेर लिया। पुरंदर के किले को चारों ओर से घेरने पर शिवाजी महाराज विवश हो गए और सन 1665 में शिवाजी ने मुगलों के साथ संधि कर ली। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि शिवाजी ने मुगलों के साथ संधि क्यों की, क्यों उन्हें विवश होना पड़ा? इसका कारण है कि पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि ये हुई थी सन 1665 ईस्वी में। जयसिंह तथा शिवाजी के बीच में इस संधि की शर्त थी कि 32 शिवाजी को अपने बत्तीस किलो में से 23 दुर्ग मुगलों को देने पड़ेंगे। नंबर एक। नंबर दो यह है कि शिवाजी के बेटे को 4000 का मनसबदार बनाया गया। और ये संधि क्यों हुई, क्यों विवश होना पड़ा शिवाजी को, इसका कारण यह है कि ये एक महत्वपूर्ण दुर्ग था पुरंदर का किला। इसके अलावा इसमें शाही खजाना रखा हुआ था और इसमें शाही परिवार रखा हुआ था। इन सारी बातों के कारण शिवाजी महाराज विवश हो गए और उन्होंने जयसिंह के साथ संधि कर ली। बाद में सन 1674 में शिवाजी ने अपना दोबारा अपना राज्याभिषेक करवाया और रायगढ़ में गंगा भट्ट नामक ब्राह्मण को बुलाकर, और शिवाजी के अंतिम समय उनके बहुत दुख में बीते क्योंकि उनके पुत्र के द्वारा बगावत कर दी गई। इसलिए उनका अंतिम समय बहुत दुख में बीता। शिवाजी महाराज बहुत कर्तव्यनिष्ठ थे, उन्होंने उत्तर भारत में जाकर के उत्तर भारत की स्थितियों को देखा, मुगलों के अत्याचार को देखा और उन्होंने उत्तर भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और इस प्रकार से उन्होंने मुगलों से टक्कर ली और अपने शान को बनाए रखा। तो शिवाजी महाराज के बारे में अपन ने इसमें आज अध्ययन किया। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है कि मेवाड़ राठौर गठबंधन के बारे में है और दुर्गादास राठौर के जीवन परिचय के बारे में बताइए, महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में लिखिए और शिवाजी के धार्मिक जीवन का मूल्यांकन कीजिए। शिवाजी ने हिंदू धर्म की मान मर्यादा को बढ़ाया और उन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक तरीके अपनाए और मान मर्यादा को बनाए रखा, इसलिए उन्हें हिंदू पदपातशाही की उपाधि दी गई। आज इस अध्याय में, इस लेसन में हमने
महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताओं, वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में और शिवाजी महाराज की चारित्रिक विशेषताओं और उनके की द्वारा किए गए संघर्षों के बारे में अध्ययन किया। आप इस वीडियो को देखें, निश्चय आपको इनके बारे में अच्छी तरह समझ में आएगा। धन्यवाद।